दोस्तों ये पैनासोनिक के जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली ये पैनासोनिक की एलईडी है थोड़ा सा, तो कहने का पता है 32XM6D मॉडल है, 6D बोलते हैं बोल्डर मॉडल में। इसमें एक एच एलईडी लगी होती है बैक लाइट में, तो ये पैनासोनिक एच एलईडी है। बेसिकली ये एक्चुअली क्या होता है, ये 54 वोल्ट के ऑपरेट होती है, तो ये 54 वोल्ट पे ऑपरेट होने के कारण ये मार्केट में एक्चुअली बेसी कई बार मिलती भी नहीं है। तो इसकी वजह ये कई बार क्या होता है कि एलईडी एक में कोई एक एलईडी ख़राब हो जाए तो ये प्रोटेक्शन में चल जाता है। तो इसमें आपको मैं पहले बताता हूँ इसकी जगह आप कौन सी स्ट्रिप लगा सकते हो, और इसकी प्रोटेक्शन हटाने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें हमने क्या किया, पहले मैं जस्ट इसके पॉइंट के बारे में बता देता हूँ आपको। ये एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये इधर हमारे बेसिकली ये सेम स्ट्रिप, ये 12 पॉइंट है इसके, तो ये इसका मैं आपको सर्किट भी समझा देता हूँ। ये 12 पॉइंट वाली देखो, मैं इसका पहले डायग्राम बनाया हुआ बेसिकली कॉपी पे। ये 12 पॉइंट हैं इसके, पहले 3 पॉइंट पहले पॉजिटिव हैं इसमें, और 5 इसके खाली हैं, और 4 इसके नेगेटिव हैं। कहने का मतलब है टोटल 12 पॉइंट बनते हैं, 5, 4, 9, 3, 12 पॉइंट बनते हैं। 3 इसमें पॉजिटिव तो कॉमन होंगे, और बाकी 5 भी इसमें खाली होंगे, और 4 इसके नेगेटिव पल्स होती है। तो कहने का मतलब है, और इसकी जगह हम कौन सी स्ट्रिप लगा सकते हैं, इसकी जगह सेम स्ट्रिप आती है वो जो वो नीडा में लगती है, बेसिकली वो 36 वोल्ट वो ऑपरेट होती है, पर उसकी फिटिंग सेम होती है, जैसे ये गोल शेक लगे हुए हैं बने हुए हैं, तो इसमें अपने स्क्रू लगते हैं। बेसिकली सेम साइज़ की गोल एक मार्केट में स्ट्रिप सेम स्ट्रिप आती है, बेसिकली वो 36 वोल्ट ऑपरेटेड होती है, पर ये हमारी जो पैनासोनिक की है वो 54 वोल्ट ऑपरेटेड होती है, पर उसकी जगह ये थोड़ा रिस्की होता है लगाने में। तो इसकी जगह हमने कैसे लगानी है, तो ये 36 वोल्ट ऑपरेटेड के भी कनेक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। ये इसके सेम कनेक्शन होते हैं, 3 पॉजिटिव होते हैं, और इसके अगले 3 खाली होते हैं, 6 इसके नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये 36 वोल्ट इसके 6 सेट बने होते हैं, ये बेसिकली 36 वोल्ट पे ऑपरेट है अपने का अपनी ये स्ट्रिप। तो इसको हम लगाने की विधि आपको बता देता हूँ, बहुत इजी लग जाता है। इसमें सबसे पहले तो आपको जो हमारा इन्वर्टर सेक्शन पहले बना हुआ है, इसकी आपको पहले सबसे पहले तो इसकी प्रोटेक्शन ओपन करनी पड़ेगी, नहीं तो 1 टाइम में ब्लिंक में चले जाएगा, और 1 टाइम ब्लिंक में जाने के कारण एक्चुअली इसकी प्रोटेक्शन को हमें इसमें जहाँ एक एरर पॉइंट बना लिखा हुआ है, इस एरर पॉइंट को हमें बेसिकली ये हमने एक को ग्राउंड किया हुआ, इस एरर पॉइंट को हम ग्राउंड कर देंगे तो हमारी ये प्रोटेक्शन में जानी बंद हो जाएगी। एक तो नंबर एक इसका इन्वर्टर का जो प्रोटेक्शन जिसमें एलईडी बैक लाइट करके प्रोटेक्शन में चली जाती है, इसका एक तो ये सलूशन करना है। दूसरा सलूशन मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो जो हमारा ये एफएफसी केबल है, जो बैक लाइट इन्वर्टर से जो वायर आती है 12 पिन वाली, कहने का मतलब वो हमारा ये जो मार्केट वाला इन्वर्टर है बेसिकली हमने वो यूज़ किया हुआ है, ये केबल इसमें पॉइंट सेम जैक बना हुआ है 9 और 3 का, 3 इसके पॉजिटिव है और 9 इसके बेसिकली 9 पॉइंट है वो नेगेटिव है। तो बेसिकली हमारे तो एक्चुअली 6 पॉइंट नेगेटिव है, तो ये जैक भी हमारा सीधा ही लग जाता है। तो ये सीधा लगाने से हमारा एक 24 वोल्ट, ये हमने 24 वोल्ट पे ऑपरेट किया, बेसिकली ये 24 वोल्ट पे भी चल जाता है, तो 24 वोल्ट हमने एक्चुअली यहाँ से उठाए हैं जो इसके बैक लाइट इन्वर्टर की सप्लाई होती है। कहने का मतलब है हमारा ये बहुत इजी चल जाता है। तो इसमें बैक लाइट पहले आपको तो ये प्रोटेक्शन हटानी पड़ेगी, तो एक दूसरी जो हमने एच एल ई डी लगाई है इसका बहुत इजी तरीका हो जाता है मतलब चलाने का, तो नहीं तो अदरवाइज़ ये स्ट्रिप ना मिलने के कारण हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दोस्तों मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ, अभी मैं चला के दिखाता हूँ ये हमारी देखो एच एल ई डी हमने दूसरी लगाई है, हमारा ये सेट चल गया हुआ। कहने का मतलब आप इस तरीके से कोई अल्टरनेट करके पैनासोनिक की एलईडी जो बैक लाइट प्रॉब्लम में आती है, तो 1 टाइम ब्लिंक में इसका सलूशन आप बहुत इजी कर सकते हो। तो हमारा ये एक्चुअली ये फॉल्ट, एक हमने इन्वर्टर लगाया, एक हमने एक्चुअली बैक लाइट की एज की जो एलईडी स्ट्रिप चेंज किया, हमारा फॉल्ट निकल गया हुआ। ओके, थैंक यू दोस्तों।